So, doctor, we are talking about our non-diabetic COVID patients developing high sugar. So, इन दिनों में ये पैंडेमिक जो है इसका असर है, लॉकडाउन का असर है, क्या ऐसी शिकायतें ज्यादा आ रही हैं? बहुत ज्यादा हाई शुगर तो बढ़ेगा ही बिकॉज ऑफ दी मेडिकेशंस, क्योंकि जो शुगर की सॉरी जो स्टीरॉइड मेडिसिंस जो लेनी पड़ रही है इस कोरोना पैंडेमिक की बीमारी को मैनेज करने के लिए, उसके वजह से भी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो शुगर लेवल्स आर इंक्रीजिंग और इवन नॉन शुगर पेशेंट्स जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर बढ़ जाती है. That is there. So, वो एक साइड इफेक्ट है इस पैंडेमिक का. ठीक है, शुगर को मैनेज करना इसीलिए आज के डेट में इतना जरूर है कि लोगों को अपनी शुगर मैनेज करना आ जाएगा, इतना जरूर है. और इग्नोर करते हैं शुगर तो दे फेस दोस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शंस, जो सुना होगा आपने, ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस. Yes. So those are like big complications. Yeah, yeah. I was going to come to that कि म्यूकरमाइकोसिस के बारे में खास करके डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए और ज्यादा खतरनाक है ये कहा जा रहा है. So you know maybe that is one of the complications. लेकिन how difficult is it for the rest जो non diabetic patients हैं उनको अगर sugar level बढ़ जाती है तो किस हद तक बढ़ रही है और किस हद तक ये खतरनाक हो सकता है डॉक्टर? Is it temporary? Is it something that is going to be forever? It is temporary. It's not going to be forever. It is temporary, but it is something which you and everybody. Okay. His doctor is on the ground, so he is busy in the hospital as well, and he is taking time out to talk to us. Also, I can educate us on all of this at the same time. So, let's wait for him. शहजाद खान हम जो यही बता रहे हैं he is one of he's actually talking to us and telling us about one of his office colleagues जिनका कोविड के बाद exceptionally sugar level बढ़ गया है. So just like doctor said कि ये बहुत common हो रहा है, ये एक common side effect है और जिनको पहले कभी sugar experience नहीं हुआ था वो भी अब इसकी शिकायत कर रहे हैं. Yes, doctor, you will take it. Absolutely, that is there. तो जिनको नहीं भी हो रहा है उनके लिए भी एक बड़ा साइड इफेक्ट बन जाता है ये. और जिनको ऑलरेडी है कोविड है या जिनको ऑलरेडी शुगर है उनकी शुगर बिगड़ रही है, तो दैट इज वन बिग इशू ऑफ स्टीरॉइड थेरेपी. बट स्टीरॉइड इज वन ऑफ द मेन मेडिकेशन जिसकी वजह से जान बचा पा रहे हैं. तो वी एज अ डॉक्टर डोंट रियली हैव चॉइसेस, much choices, quite frankly. हमें यूज तो करना ही है स्टेरॉइड्स. तो गिव मी अ मिनट, यू विल बी एबल टू सी मी अगेन. So, doctor, as I was asking you कि ये अगर किसी की शुगर बढ़ जाती है तो वो कितना ज्यादा बढ़ने का खतरा है? Is it dependent upon each and every person? जहाँ तक दवाइयाँ देनी पड़ी थी उस पर डिपेंड करता है, हर एक बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है. हाउ इज इट, या कितना खतरनाक हो सकता है? हर बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती तो है, बट शुगर इज समथिंग इट इज अ वेरी what you can say unpredictable thing. किसी में तो बहुत तेज हो जाएगा, किसी में बहुत तेज जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, किसी में नहीं बढ़ती. So it is very unpredictable. So everybody who is on COVID treatment needs to monitor their sugar
दैट इज द फर्स्ट थिंग दे नीड टू डू. तो आपको शुगर मॉनिटर तो करना ही करना है. द सेकंड थिंग विच कम्स इज मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट तब अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा हाई है और उसमें ऐसी कोई आपको लग रहा है कि डेंजरस लेवल है, लाइक 300-400 ऐसे पहुंच जाती है शुगर, तब फिर हमें उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तब फिर हमें इंजेक्शंस, इंसुलिन, टैबलेट्स, उसका सहारा लेना पड़ता है. सर अभिनव है यहाँ पर जो पूछ रहे हैं, मेरे पैरों में रेड डॉट्स आ रहे हैं, इस पे कोई इचिंग नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है? इज दिस आल्सो सम सिम्पटम रिलेटेड टू शुगर और समथिंग एल्स? नहीं नहीं, शुगर इज नॉट रिलेटेड टू रेड डॉट्स. देयर आर अदर मेनी अदर स्मॉल बिग सिम्पटम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद शुगर बट नॉट रियली रेड डॉट्स. रेड डॉट्स आर मोर इनटू एलर्जिक रिएक्शन and red dots are more into some kind of what you can say bleeding in the skin. So bleeding can be red dots, jaise platelet count kam ho jaye, ya allergic reactions can be red dots, but not not sugar. Sugar is not that. सर ये बताइए कि अब जैसे शुगर किसी की बढ़ने लगती है आफ्टर कोविड और यू सेड कि आपको ध्यान रखना है, तो क्या क्या साइंस हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपके बॉडी दे सकती है व्हिच यू हैव टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ? देयर इज नो साइन, नो सिम्टम्स. शुगर बढ़ते हुए कोई साइन सिम्टम, कोई लक्षण नहीं देती है. देयर आर वेरी फ्यू पीपल, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन सेंस साइंस ऑफ हाई ब्लड शुगर. दैट टू साइंस इसलिए नहीं आते कि ब्लड शुगर हाई हो गया है. साइंस इसलिए आते हैं कि अगर हाई ब्लड शुगर कॉन्स्टेंटली रहने के वजह से, मैं आ रहा हूँ ठीक है, ये बाद में लगाएंगे, ये वाली अभी थोड़ा फ्लूइड जा रहा है, फिर ये लगाएंगे. हाँ मैं आ रहा पास हूँ. हाँ तो हाई ब्लड शुगर या हाई ब्लड प्रेशर इमीडिएट सिम्टम्स कभी नहीं पैदा करते. दे आर नॉट सपोज टू. ओके some network issue doctor आप इतनी important बात कर रहे हैं, we don't want to miss out on this really. Hello doctor, we couldn't hear any of famous doctor. Dr. Deepu Gupta, yes, thank you so much for actually joining in. Dr. Deepu, kya keh rahe hain? Before 2021, mucormycosis is critically seen in diabetic patients, but there, how every diabetic patients panic with mucormycosis, is there mucormycosis will be pandemic? Dr. Deepu, let's ask Dr. Paramjit about that. You've just missed him due to network error. Hi, doctor. We missed your answer. Hi, sorry. No problem, doctor. There were some issues in the signal. Yes, no problem. So I was talking about how high blood pressure and high blood sugar do not present, yes, do not cause any symptoms. Okay, right. They are not supposed to cause symptoms. उसका वो एक normal phenomena है जो होता रहता है. Okay, it's just like कि आप जब कुछ मीठा खाते हैं तो after 1 hour आपकी insulin, आपकी sugar बहुत spike करती है.
It can go to 200, 300, 400, and even in you and me, even in normal people, it can go like that. फिर हमारा जो जो insulin होता है हमारी body के अंदर, it spikes, insulin spike होता है, and it controls that sugar in the next one hour, 2 hours easily, because you and I are normal people. So normal people में insulin resistance नहीं होता, insulin spike होता है. But what was common? That sugar spike तो हुई थी because you ate a lot of sugar. Right. Same way, एक high blood pressure के जो everybody who runs fast will have high blood pressure at that time when they are running. But when they stop, blood pressure comes down. So high blood pressure is not a problem. High sugar is not a problem. Your body's ability to reduce those sugars and blood pressure is the problem. जो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है. सो कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड शुगर या कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर फॉर अ नंबर ऑफ डेज कॉन्स्टेंटली जब रहता है, तब आपकी बॉडी में उसके नुकसान होने शुरू होते हैं. हाई ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली रहने की वजह से छोटे बड़े ऑर्गन्स में, खून की नसों में प्रेशर के वजह से डैमेज होने लगता है. खून की नसों में शुगर हाई होने की वजह से जगह जगह शुगर डिपॉजिट होने लगती है. यूरिन में, किडनी में, आपकी किडनी खराब होने लगती है, आपकी ब्लड वेसल्स में क्रैक्स आने लगते हैं, आपकी आंखों में डिपॉजिट होने लगती है. सो सिम्टम्स कब आते हैं? जब ये बहुत दिन हो जाए और डिपॉजिट हो के बहुत दिन हो जाए, तब सिम्टम्स आते हैं बिकॉज ऑफ दोज डिपॉजिट्स, नॉट बिकॉज शुगर वॉज हाई. समझे? सो बिकॉज ऑफ दोज डैमेज, बिकॉज ऑफ जो ब्लड प्रेशर से वजह से डैमेज हुआ, उसके वजह से सिम्टम्स आते हैं. So, जिन लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी ऑलरेडी कई महीनों से बीमारी चल रही है और वो डैमेज करने लगी है. सो इसके लिए जो लोग अभी स्टीरॉयड लेना शुरू करे हैं कोरोना में, उनको कोई सिम्टम नहीं आएगा शुगर हाई होने का, सिर्फ शुगर लो होने का सिम्टम आएगा. अगर लो होती है तो चक्कर आएगा, बेहोश होंगे. अगर हाई होती है तो कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे. So that is the importance of testing your glucose level at home. You have to check your blood pressure at home. If you are on steroids, if you are on immunosuppressive therapy, अगर आपको किसी प्रकार का immunoglobulin, steroid, injections लग रहे हैं, so you need to check your sugars. गोली भी खा रहे हो steroid की, you need to check your sugars. दिन में एक बार कम से कम sugar check करने में कोई नुकसान नहीं है. ठीक है, घर में glucometer रखो. दिन में जिनको ज्यादा हाई डोज लग रहा है उनको दिन में 3 बार, जिनको बहुत हाई डोज लग रहा है उनको हर 4 या 6 घंटे में शुगर चेक करनी होती है. बिकॉज शुगर नीड टू बी कंट्रोल्ड. जो लोग शुगर कंट्रोल नहीं करते, जो लोग शुगर नहीं देखते, उनके केस में फिर उनकी इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, बिकॉज ऑफ थिंग्स, और साथ में बीमारी की वजह से भी, और साथ में शुगर अनकंट्रोल की वजह से. Then they get secondary infections. या तो कोई bacteria पकड़ लेता है या fungus पकड़ लेता है, mucormycosis, black fungus, जो आपने सुना है. So that only catches to people who are ignorant, who don't understand and who don't, जिनको proper guidance नहीं मिलती, जिनका proper control नहीं होता है sugar में, those are the people जिनको ये problem होती है. Okay. So doctor, अब जिनका पहले से sugar high था या diabetes था, उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो रही होगी. एब्सोल्युटली, उनको गोली से इंसुलिन पे जाना पड़ता है, एंड दैट इज द स्टेप दे हैव टू टेक. उनको उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सो दे हैव टू डू इट. सो नाउ आपने कहा कि आपको ख्याल रखना है, बेसिकली टेस्ट करना है और शुगर को आपको कंट्रोल करना है. व्हाट एल्स? खाने में किस तरीके के एहतियात बरतने हैं, क्योंकि कोविड के रिकवरी के टाइम पे आप में वीकनेस भी होती है, तो एक्सरसाइज आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं. व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन? गुड़, चीनी, शक्कर, ये सब आपको बंद करना है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपको बंद करने हैं. ब्रेड लोगे तो ब्राउन ब्रेड, रोटी नहीं, क्योंकि लोग आजकल वो खाना खाने ही पाते हैं तो सॉफ्ट डाइट लेते हैं. तो दलिया, खिचड़ी, दाल का पानी, सूप, ऐसी चीजें खाते हैं. ब्राउन ब्रेड लेके उसको आप दूध में डाल के खा सकते हैं. सो आपको सॉफ्ट डाइट लेनी है, लेकिन शुगर फ्री, बिना शक्कर के. इन्फ्लामेटरी फूड, गुड़, चीनी, शक्कर, और इवन
ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी, बिकॉज दोज विल एड अप टू योर शुगर लेवल. और फ्रूट्स आप खा सकते हैं इफ यू आर ओके, है ना, ठंडे ठंडे नहीं खाने, नॉर्मल टेम्परेचर फ्रूट्स आपको खाने हैं. जूसेस आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट नॉट स्वीट जूसेस. होममेड जूस आप ले सकते हो, फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हो, ये वाले जो पैकेज्ड जूस होते हैं वो नहीं लेना है. अच्छा, सो डॉक्टर अब रिकवरी के टाइम पे भी आपको कॉन्स्टेंटली आपके डॉक्टर्स के साथ टच में रहना है, आपको हमेशा अपने टेस्ट करते रहने हैं. देखो ये तो सपना है, आपको कोई डॉक्टर हमेशा टच में मिले आज की डेट पे, इट इज नॉट पॉसिबल. सो इवन दोज पीपल हु ट्राई टू स्टे इन टच, द डॉक्टर गेट्स ओवरलोडेड. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट इन टच विद डॉक्टर ऑलवेज. So you have to gain knowledge, you have to have proper guidance. कि एक बार आपको अगर डॉक्टर से बात होती है तो आगे आने वाली चार पांच possibilities के बारे में आप पहले से समझ लें कि भाई अगर दवाई से कुछ साइड इफेक्ट होता है, गैस होती है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, आपको वीकनेस है, एपेटाइट खराब हो रही है, ड्राई माउथ हो रहा है, आपको सैचुरेशन कम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर बार डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें और वो डॉक्टर आपको रिप्लाई करे. इट्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हर इंसान को ये प्लेजिए लग्जरी मिले, पॉसिबल नहीं. ओके सर डॉक्टर, अगर एक बार अभी इस वक्त में शुगर बढ़ जाती है, इज इट गोइंग टू स्टे विद यू फॉरएवर? नो, दैट इज नॉट करेक्ट. वो शुगर जब बढ़ जाएगी अभी के लिए, so that is a temporary rise in sugar because of steroids. जैसे जैसे steroid का dose कम होता जाएगा, वैसे वैसे sugar levels भी आपकी कम होती जाएगी, and your dependence on sugar medication will go away. Many times मैंने भी hydrosteroid लिए थे, so मैंने भी 32 mg का metrol लिया था दिन में दो बार, so it was a good high dose, मगर मेरी sugar इतनी नहीं बढ़ी कि मुझे गोली भी लेनी पड़े. so it depends upon your physical activity, your diet and your overall things. तो आपको अपना ये देखना होता. अब वो उसके साथ में अगर हम बैठ के मीठी मीठी चीजें खाएंगे, and at that time, because एक तरफ steroid आपकी शुगर बढ़ा रहा है, आप अपनी शुगर बढ़ा रहे हैं, तो वो तो दिक्कत होगी. So that time very important that you use your health literacy, and that's why everybody should regularly follow videos which are हमारे channel पे जो आते रहते हैं. बिल्कुल. एंड अगर आपको पहले के वीडियोस को भी रेफर करना है, क्योंकि डॉक्टर हर वीडियो में कोई ना कोई अच्छी बात बताते हैं, बहुत सारे और कोचेस भी हैं जो कोविड रिलेटेड आपको जानकारी दे ही रहे हैं लगातार. एंड यू आल्सो वांट टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोचेस जिनके पुराने वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हैं ऑन गूगल. डॉक्टर अगर हम नॉन कोविड पेशेंट्स की बात करें, तो नॉन कोविड पेशेंट्स को भी पहले से अपने शुगर लेवल को मेंटेन करना है इम्यूनिटी के साथ साथ? Yeah. जिनको कोविड नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी पुरानी बीमारियों को पहले से चेक करके कंट्रोल करें. बिकॉज आफ्टर डायबिटीज, आफ्टर कोविड हो जाने के बाद में और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कंट्रोल करना, और ज्यादा, और जो बीमारी है, जब तक आप कंट्रोल करोगे, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वायरस का, दो से 14 दिन, उस इंक्यूबेशन पीरियड में वायरस डबल ट्रिपल स्पीड में बढ़ेगा, बिकॉज आपका शुगर में गड़बड़. राइट, ओके. डॉक्टर आखिरी सवाल, वी जस्ट हैव अ कपल ऑफ मिनट्स मोर. अगर हम लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते नहीं है, या बहाना मिल जाता है कि अब तो लॉकडाउन है, अब एक्सरसाइज कैसे करें, तो ऐसे में भी शुगर के बढ़ने का खतरा लगातार बना रहता है? आकांक्षा, आई एम सो सॉरी, आपका सवाल आज नहीं ले पाएंगे. डॉक्टर कल भी आपको इसी टाइम पर मिलेंगे, उस वक्त में आपके नॉन कोविड रिलेटेड जितने सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे डॉक्टर. तो डॉक्टर, कैन वी आस्क दिस क्वेश्चन? या यस यस. मैं ये पूछ रही थी डॉक्टर कि अगर मान लीजिए कोविड, नॉन कोविड, जब हम लोग लॉकडाउन में हैं, घर के अंदर हैं, तो एक बहाना मिल जाता है, या हम लोग ऐसे ही आलस कर लेते हैं एक्सरसाइज करने को लेकर,
ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसका भी असर शुगर लेवल पर होता है? बहुत ज्यादा असर होता है ऑब्वियसली, अगर आप दौड़ भाग नहीं करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में तो आपको जितनी आपकी एनर्जी यूटिलाइज होनी है जितना आपका वो नहीं हो पाएगा, एंड इफ योर बॉडी इज नॉट यूजिंग द एनर्जी द ग्लूकोज तो इट इज गेटिंग आइदर वो मोटापे के लिए स्टोर हो रही है या इट इज रोमिंग अराउंड, है ना, तो दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। शुगर लेवल के लिए जरूरी नहीं है कि आपको गुड़ चीनी ही खानी है, जो आप खाना भी खा रहे हैं दैट कैन आल्सो स्पाइक अप द ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी एंड बी डिफिकल्ट फॉर यू। एब्सोल्युटली या अगर आप डॉक्टर जैसे हमेशा कहते हैं, डॉक्टर खुद रात को 10 बजे जाकर एक्सरसाइज करते हैं एंड ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। आई थिंक योर पेशेंट्स नीड यू मोर देन अस राइट नाउ। Thank you so much for sparing your time. Thank you. Bye. Bye-bye.